जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम नेपाली और इंडियन ऑडियंस के दिलों में राज कर रही है नेपाली मूवी प्रेम गीत 3, और हम आपको दिखा रहे हैं प्रेम गीत 3 से जुड़े हर एक अपडेट। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना, ताकि आप भी हमारे यूट्यूब परिवार के एक हिस्सा बन सके। जैसे कि मैंने अभी तक प्रेम गीत 3 से जुड़े हर एक प्रकार के न्यूज एंड अपडेट दिखाया है आप लोगों को, और आज का तो सबसे बड़ा खुशखबर हो सकता है नेपाली लोगों के लिए, क्योंकि आज नेपाली मूवी और नेपाली इंडस्ट्री को साथ और सपोर्ट करने के लिए भोजपुरी एक्ट्रेस और एक्टर्स बाहें खोलकर प्यार कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम आपके लिए लाए हैं भोजपुरी बुट महानायिका संचिता बनर्जी के नेपाली प्रति का प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और दिखाते हैं आपको डायरेक्ट वो इंटरव्यू। रितु जी, कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए आप? इस फिल्म के लिए तो मैं हमेशा से एक्साइटेड रही हूँ, पहले भी, बट वही आज भी है। तो एक नर्वसनेस, एक एक्साइटमेंट डेफिनेटली है, और सबसे खास बात की फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म बहुत पारिवारिक है, जैसे कि आप लोगों ने नाम से पता चल जाता होगा, तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल इस तरह की फिल्में बन रही। मैं ये कहूँगी कि ये तो अभी जस्ट आए हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स को लेके काम हो रहा है, सो बहुत अच्छा दौर चल रहा है ये। मेरी एक्साइटमेंट यहाँ डबल है। सी, मैं ये कहूँगी कि एज एन सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स अब बन रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ना स्टोरीज पहले सिर्फ प्रपोजल्स होते थे, बीच में एक दौर आया था सिर्फ प्रपोजल्स बनते थे, बट अब क्या है कि हीरोज़ भी बोलिए, हीरोइंस भी बोलिए, कि आजकल वापस से स्टोरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर इंडस्ट्री। कैसी है संचिता जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। संचिता, इस फिल्म के लिए आप एक्साइटेड जरूर होंगी, क्योंकि एक बड़े बैनर की फिल्म है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम में, प्रदीप सर से मैंने आपके बारे में काफी सुनी, को मौका मिल रहा है, इवन लोग किरदार के बारे में भी यू नो सोच विचार करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड थैंक्स फॉर द चैनल्स दैट अच्छे मौका दे रहे हैं इंडस्ट्री को। अगर आप एक नेपाली हो तो ये वीडियो ने आपको जरूर गर्व से ऊंचा कर दिया होगा, और अगर आप एक इंडियन हो तो हम नेपाली को इतना सारा प्यार के लिए दिल से शुक्रिया करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15, विश्वास है कि पूरा कर देंगे आप लोग, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं कोई और एक नए वीडियो के साथ।